मैं हूँ शाज़ीब। अपनी बहन को माशरे की दरिंदगी से बचाने के लिए मुझे मार दिया गया। मेरा माशरे से ये सवाल है कि क्या अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा कसूर था? क्या ये लोग हाथ में बंदूक लेकर खुद को खुदा समझ लेते हैं? तो वहां जब मैं पहुंचा तो मेरे बेटा की डेड बॉडी पड़ी है। क्या वही सूट पहन के 15 मिनट पहले आपके साथ बच्चा खड़ा और 15-20 मिनट पहले और उसके बाद डेड बॉडी, आपकी क्या फीलिंग और नहीं रहता है? ऐसी ही दरिंदगी का शिकार कुछ दिनों पहले 18 साल का नौजवान जाफर जुबैरी बना और एक और मासूम को कफन में लपेट दिया। नए साल की खुशियों में कुछ घर थे उदास, माँ का लकड़ी जिगर अब नहीं था उसके साथ। और हमारा ये स्टूडेंट, हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमारा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एप्पल ऑफ एवरीबॉडीज आई, उसे फौरन ही चेस्ट पर गोली लगी। साथ में उसका छोटा भाई था, वो भी इंजर्ड हुआ, लेकिन मुदस्सिर ऑन द स्पॉट अपनी जान। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए? क्या सिर्फ ये फायरिंग करके चंद बच्चों की जानें लेके हम न्यू ईयर को वेलकम कर सकते हैं? ये कौन सा तरीका है? ये कैसा नामवसर तरीका? और कितने जाफिर और कितने मुदस्सिर बनेंगे गोलियों का शिकार? या इलाही दे हिदायत अपने बंदों को कि ना दे ये तस्वीर तेरे ही बंदों को। कर है खुशी तो वो खुशी खुशियों के नगमों की, ये नगमे ना दे खुशी के गम किसी घर को। ना हो कहीं की शादी कहीं की बर्बादी, ना दे कोई जिंदगी मौत किसी।